तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एकदम से नई रेसिपी। इस रेसिपी को जब आप बना के खाएंगे या फिर किसी को खिलाएंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग आपकी तारीफ ना करें। इतनी टेस्टी, इतनी डिलीशियस, एक बार बनाएंगे तो सच में आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इस समय चल रहा है मैंगो का सीज़न, तो बस अगर आपके घर में मैंगो पड़े हुए हैं तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये घर पे सबकी रहती ही हैं। बहुत ही इजीली आप इसे बना सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से खा सकते हैं। करना क्या है, आपको लेना है गेहूं का आटा, उसमें मिक्स करनी है थोड़ी सी सूजी, जितना कैप्शन में लिखा हुआ है। लगभग आधा कप इसमें पानी डलेगा, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आपको गाढ़ा रखना है इसको, क्योंकि किसी का आटा मोटा रहता है तो उसमें पानी कम लगता है, किसी का बहुत फाइन पिसा रहता है तो उसमें पानी कम लगता है। तो जो पानी है आप उसको अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करिए। उसमें डालना है आपको मैंगो पल्प, थोड़ा सा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो। इन सबको अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट तक आपको रेस्ट पर रखना है। जब तक हम बना लेंगे इसके लिए बढ़िया सी एक चाशनी, जिसमें आधा कप शक्कर लेनी है, यानी जितना आपने गेहूँ का आटा लिया था उतनी ही शक्कर लेनी है और उतना ही पानी लेना है। आपको चिपचिपी चाशनी चाहिए, कोई तार वार वाली चाशनी नहीं चाहिए। इसमें हम फ्लेवर के लिए डालेंगे थोड़ी सी इलायची, और हाँ, एक अच्छे से कलर के लिए इसमें हम डालेंगे रेड फूड कलर। अगर आपके पास रेड फूड कलर नहीं है तो आप येलो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास दोनों थे और मैं चाहती थी कि जो मेरे मालपुआ हम लोग बना रहे हैं, मैंगो के मालपुआ, वो थोड़े से ना बहुत ही अच्छे से दिखें, इसलिए मैंने रेड फूड कलर डाला। अब हम बनाएंगे इंस्टेंट रबड़ी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप और 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क। इसको हमने लेना है, इससे पहले हमने पानी डाला है ताकि जो दूध है वो हमारे तले पे ना चिपके, और 1/4 कप समथिंग दूध लेके और उसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर जो आता है उसको मिक्स करा है मैंने और दूध में डाल दिया। इससे दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा, एक क्रीमी टेक्सचर चाहिए हमको, और फटाफट बनाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। काजू की मैंने इसमें कतरन डाली है, आप चाहें तो और भी कोई ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेश मलाई, जो घर की मलाई है वो मैंने इसमें डाली है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाना है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत गाढ़ा हो जाएगा नहीं तो, और उसके बाद गैस कर देनी है बंद। आप हम लोग अपने मालपुए को अगर घी में तलना चाहते हैं तो घी का इस्तेमाल करें, अगर तेल में तलना चाहते हैं तो तेल का रिफाइंड ऑयल या डालडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है ना, हमको एक चौड़े पतीले का इस्तेमाल करना है ताकि हम एक साथ 3 से 4 मालपुए को बना सकें। जो मैंगो के मालपुए होते हैं ये थोड़े से तले पर चिपकते हैं, आप चाहें तो नॉनस्टिक पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इसको अलटते पलटते समय, क्योंकि ये थोड़े से चिपकते हैं, लेकिन ट्रस्ट भी, इसको आप एक बार बनाएंगे ना तो उसके दीवाने हो जाएंगे। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत धीरे धीरे इसको पेशेंस से इसको ऊपर नीचे पलटना है, और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए इसको फटाफट से निकाल के हम डाल देंगे चाशनी में। 5 से 7 मिनट के लिए आप चाशनी में रहने दें और उसके बाद करें अपनी प्लेटिंग। जब भी आपके कोई गेस्ट आते हैं तो प्लेटिंग ना आप तत्काल करें, नहीं तो ये सॉगी टाइप के हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो अपनी इंस्टेंट रबड़ी बोल लो या वाइट सॉस बोल लो, इसको डाल लिया है, और एक एक मालपुए को मैं इसके ऊपर रखती जा रही हूँ। जब मैंने इसे बनाया ना तो मेरा बेटा तो इसको खाने के लिए बिल्कुल दीवाना हो गया, और जैसे ही इसको मालपुए को डालेंगे उसके बाद वाइट सॉस हम ऊपर से और डाल देंगे ताकि दिखने में बहुत सुंदर लगे। और यहाँ पर फिर से मैं काजू की कतरन डाल रही हूँ और उसके ऊपर डाल दूँगी चाशनी, जिससे ऑरेंज रेडिश कलर जो आ रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मैंने इसमें मैंगो पल्प डाला था ऊपर से, ताकि लगे कि हाँ मैंने इसको मैंगो से बनाया। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहीं पे मैंने लगा दिया अपने भगवान जी को भोग, क्योंकि मीठा बना था, और उसके बाद सबसे दिल मेरा जब खुश हुआ जब मेरे बेटे ने इसको दिया सबसे बड़ा लाइक। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।